out. Thank you.
I
Thank you.
ले सकते हैं लगभग। और स्मारिका के अंदर भी तो पूरा छाप दिया विवरण है ना, ये खर्चा इसका आय और ये और कोई नहीं कर सकता है। बहुत बढ़िया है और हाई क्लास चीज है, उसमें ये बहुत बढ़िया चीज है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपन ने ऑडिट किया ऑडिट किया है। कुछ बोलना चाहिए? ऑडिट की हुई है कभी? नहीं, आप सब लोगों ने देख ही लिया है। देख तो लिया है, लेकिन जो कार्यकारिणी का कर्तव्य है वो बहुत मेहनत की गई है। समाज के व्यक्ति कोई भी देख सकता है खर्चा जो है। ये सामूहिक विवाह समिति श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज मध्यवर्ती क्षेत्र का जो प्रथम जो सामूहिक विवाह का योजना हुई थी नागपुर में, उसका आय व्यय का विवरण 30/7/89 से 29/7/89 तक का जो कुछ भी हुआ है, ये ऐसा विस्तृत जानकारी इसमें सभी आ गई है। अब और इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकती। इसमें अगर बौद्धिक लोग जो होंगे, जो पढ़े लिखे और अकाउंटेंट या ये वो सीधे ही बोलेंगे कि इसके सिवा और इससे ज़्यादा उत्तम रिपोर्ट और आय और खर्च कोई हो नहीं सकता है। अकाउंटेंट भी बोलेगा और कोई भी बोलेगा बहुत अच्छा है। देखिए अब उसके अंदर हम तारीफ तो क्या करें, तारीफ तो जितनी करें उतनी थोड़ी है। अपन देखो भोजन एवं स्वल्प उहार व्यवस्था, अपन एक टाइम करें तो 35,000 रुपये लगते हैं। वहाँ पर 3 रोज़ का ये खर्चा है 35,000 रुपये, 4 रोज़ का खर्चा है। कितना एक ब्याह यहाँ करे तो 35,000 हो जाता मामूली बेचारा, यानी मध्य वर्गीय आदमी करे तो भी उसके लिए वो भी बड़ा कंजूसी से करता है। तो अब देखो बर्तन एवं बिछावत, बर्तन अभी 700-800 लोग या 1,000 लोग उसमें आए होंगे, उसका खर्चा 14,519 है। और यहाँ 2,000 रुपया खर्चा लग जाता ये अपने बिस्तर और ये सब लाने करने के लिए, तकिया के लिए लाना और ले जाना और उसका किराया और भाड़ा। नहीं, एक मैं कम से कम ऐसा बताया हूँ, पर इतने लोग वहाँ वो 100 आदमियों का रहता है, ये है जो 1,000 आदमियों का है ये। अच्छा, ये अब आगे इसमें है सवरी खर्च, वो एक मंडप जो बनाते हैं उसमें हुआ है कितना वो है। तो ये सामूहिक विवाह की जो है फायदा किसके लिए और कैसे है, और इसमें सब इस खर्चे के अंदर उसके भाव इसमें जागृत है कि भाई कैसा कैसा नहीं। अब आगे देखिए डेकोरेशन,
साले एक भाजपा वाले को अपन यहाँ से वहाँ तक बुलाते हैं तो 5,000 रुपया 10,000 रुपया हो जाता है। वो सामने नाचते न करते न हमकाने धमकाने वो करते हैं, यहाँ पर 3,000 रुपया ये वो सह नहीं है नहीं कहने कितना है, बहुत कम खर्चा बोले तो। हाँ अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था अपन वो कोई आदमी जो 4-5 रोज तक रखते हैं ना तो 200-200 रुपया लेता करता है 24 घंटे के। ये 4 रोज का ये खर्चा है 1500 रुपया, कोई उसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्या है ही नहीं के बराबर है। विरोध फिल्म का 1500 रुपया, ये तो फोकट में ही आइए आपके भेद एवं परिचय पत्र, उससे तो इतनी व्यवस्था हो गई कि गलत आदमी आ नहीं सका उसमें। अच्छा आगे है, मेट खर्च है 2485 है, मजदूरी खर्च 4,900 है, यहाँ वो रसोई करने वाले का 200 रुपया है, वो बड़े रसोई करने वाले का, तो ये ऐसा हिसाब है। और यहाँ इतना 4 रोज तक रसोई की हुई तो कितना वो कम खर्च है, मजदूरी खर्च है, प्रेस कॉन्फ्रेंस 220 रुपये में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ये एक अजब की बात है। और प्रिंटिंग स्टेशनरी 7,025, खाली कार्ड छापने के वो 200 कार्ड हम छपाते हैं उसके अंदर पैसे लग जाते हैं जी, ये कैसा जब 1500। हाँ सर, अच्छा डाक खर्च 3200, वो कोई ज़्यादा नहीं है, वो भी यानी बहुत ही कम है। विविध खर्च 5,776, वहाँ दूसरे खर्चे कई हो जाते हैं, वो 2,000-3,000 तो उसके पास से अलग, उसके भाई ने अलग किया तो काके ने अलग किया तो वो अलग अलग लिस्ट में, पर यहाँ तो पूरे के पूरे 5,776 है, 5 ब्याह के 5,776 खर्चा है। स्मारक मुद्रण एवं डाक खर्च 35,000 और इधर आए 38,000, और इससे ज़्यादा क्या है ये उपमेय, ये कार्यकर्ता और काम करता और संपादक और प्रकाशक वालों के तो इन्होंने एक कमाल करके दिखा दिया इस खर्चे और उसके अंदर। तो आप सब जो है इनका स्वागत दीजिए ताली बजा के। इस सामूहिक विवाह समिति की ओर से आदरणीय श्री गणेश लाल जी हेड़ाऊ अध्यक्ष श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सभा हैदराबाद, इन्हें स्मारिका के विमोचन के लिए मैं नाम प्रस्तावित करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वो हमारे स्मारिका का विमोचन ये कार्यक्रम के बाद में करें और हमें सहयोग दें। श्री ब्राह्मण स्वर्णकार हैदराबाद और सामूहिक विवाह समिति नागपुर, जिससे हमारे हैदराबाद के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी और अध्यक्ष गणेश लाल जी हेड़ाऊ और सामूहिक विवाह की जिसके अध्यक्ष, उन्होंने मुझे सदस्य के रूप में जो मुझे मनोनीत किया है उनका मैं आभार्य प्रकट करती हूँ। और इस नाते कि एक महिला सदस्य हो, उस नाते मैं ये कह सकती हूँ जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं आपको सहयोग प्रदान करूँगी। सामूहिक विवाह शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए और इसके लिए जो भी संभावित जोड़े हैं उनके अभिभावकों से अपन यदि व्यक्तिगत रूप से या पत्रोच्चार के द्वारा यदि उनसे संपर्क स्थापित करें तो हो सकता है कि हम जल्दी से जल्दी इस या तो आराम से देंगे हम बोलते हैं।
Thank you.
राजेंद्र जयप्रकाश और नितिन थाला पहन लीजिए।